वेलकम बैक इन इंजीनियर चाइल्ड का कहना है लेट्स कंटिन्यू दी वीडियो। तो हम थे फजी लॉजिक डिसीजन मेकिंग। आज हमारा न्यू टॉपिक है फजी लॉजिक डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग से आप क्या समझते हो कि ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू अपन के सूटेबल अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो आपको सर्टेन गोल्स तक अचीव करते हैं, यानी कि सर्टेन गोल्स तक आपको पहुँचा देंगे आपके टारगेट तक। तो यही डेफिनेशन है, द एक्टिविटीज आर द स्टेप्स टेकन टू चूज ए सुटेबल अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज दैट आर नीडेड फॉर रियलाइजिंग ए सर्टेन गोल्स। अब वो स्टेप क्या है एक्चुअली, तो देखो स्टेप्स फॉर द डीएम यानी डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करने हैं अल्टरनेटिव्स को, उनको डिटरमाइन करने के बाद आपको करना है इवेल्युएट, यानी कि उनको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कितना सही है कितना गलत। देन फाइनली यू विल कंपेयर बिटवीन द अल्टरनेटिव विच वन इज बेस्ट। You have to comparison, you have to make the comparison between the alternatives. We have the four types of decision makings. So first one is multi-objective, second one is individual, third is multi-attribute and for this multi-valued. So one by one सबको देखते हैं decision making को। सो द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, यानी ओनली वन सिंगल पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन, यानी जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपन फजी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो वो उसके लिए एक सिंगल पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल होगा। द डिसीजन मेकिंग मॉडल इन दिस काइंड कैन बी कैरेक्टराइज सेट ऑफ द पॉसिबल एक्शंस, सेट ऑफ द गोल्स जो भी गोल्स है, सेट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स यानी जो भी कमी है, तो इसको अपन सी ऑफ जे बोलते हैं, लिखने में थोड़ी दिक्कत लग रही है। एंड दिस जे बिलोंग टू एक्स ऑफ एन। अगर इनका कंपोजिशन निकाले तो जी आई ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ दिस एंड सी जे ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ दिस। ओके कैन यू सी दिस? ओके सो एफ ऑफ डी फाइनली निकाले इसका फ्यूजी का डिसीजन में इंडिविजुअल, तो मिनिमम ऑफ आई बिलोंग्स टू एक्शन, एफ ऑफ जी आई ऑफ ए यानी कि कंपोजिशन वाली बात हो रही है, कोमा इन दोनों का मिनिमम, इनमें से जो मिनिमम होगा दैट वुड बी द फाइनल आंसर। सो जे बिलोंग्स टू एक्शन, एफ ऑफ सी जे, दिस इज सी जे ऑफ ए। ओके Now got it. Okay, this is the individual decision making. Second one is multi-person. So it includes the several persons so that expert knowledge from the various person is utilized to make decision. यानी कि एक बढ़िया decision बन के निकलेगा क्योंकि बहुत सारे persons use करेंगे, उनका expert होंगे जो लोग, ठीक है, उनकी knowledge use करके अपन final decision बनाएंगे। तो number of persons को n, xi, xj से denote करते हैं, and number of decision makers कितने हैं वो small n से डिसाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन और कितने डिसीजन मेंबर है वो दिस। एस सी आपका फाइनल निकलता है, डेट बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स, दोनों एक ही यूनिवर्स है, डेट बिलोंग्स टू जीरो टू वन, एंड द एस सी इक्वल टू एन ऑफ एक्स आई एक्स जे डिवाइड बाई स्मॉल एन। नाउ द थर्ड वन इज योर मल्टी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सो वेन देर आर द सेवरल ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज देन इट इज कॉल्ड द मल्टी ऑब्जेक्टिव डीएम। So in this case, when you have the several objective to be realized, in that case this is a multi-objective. There are the two issues that we can see in the multi-objective DM. The first one is to acquire proper information related to the satisfaction of the objective by the various alternatives. So you have to acquire the proper information first. You have to grab the proper information first, then you have to make the decision. Second thing is to weigh the relative importance of the each objective. You have to find out the importance of each objective, like this objective has the less importance and that objective playing the more role in that particular scene. So you have to weigh, means you have to ability to measure that thing. So when you solve these two issues, then you get the multiple objective decision making in a numerical way. How can you write? So see this, let A universal of an alternative as an कैपिटल ए, ए वन, ए टू, ए थ्री टिल ए एन, एन इज योर अल्टरनेटिव्स, एंड सेट ऑफ एम ऑब्जेक्टिव एज ए ओ वन, ओ टू टिल ओ ऑफ एम। नाउ वी फाइंड आउट द डिसीजन फंक्शन। नाउ सो इन दिस के डिसीजन फंक्शन आपका ए का इंटरसेक्शन, ओ वन का इंटरसेक्शन, ओ टू का इंटरसेक्शन, ओ आई का इंटरसेक्शन एंड ओ एम का इंटरसेक्शन निकालोगे, देन फाइनल विल बी डिसीजन फंक्शन। सो एम ऑफ डी एफ, ए स्टार की वैल्यू निकल गई, जब भी ए पर स्टार आ जाए किसी भी चीज़ पर स्टार, देन दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम। सो दिस इज द मैक्सिमम, ए बिलोंग्स टू ए म्यू डी एफ ऑफ ए, दैट्स वन एंड दैट वी ऑल मेजर्ड। नाउ फोर्थ वन इज मल्टी एट्रीब्यूटेड, इट टेक्स प्लेस वेन द इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव कैन बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द सेवरल ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दैट कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अल्टरनेटिव्स को आकलन करना है, इवेल्युएट करना है। दैट्स वॉट ही राइट एट हियर
द इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स कैन बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी एनीथिंग लाइक इट कैन बी ए न्यूमेरिकल डेटा, लिंग्विस्टिक डेटा एंड द क्वालिटेटिव डेटा. सो दे आर द थ्री डेटा डेट बिलोंग्स टू द एट्रीब्यूट्स डेट आर न्यूमेरिकल, लिंग्विस्टिक एंड क्वालिटेटिव. सो हाउ कैन यू राइट दिस इन न्यूमेरिकल वे? दैट इज वाई इक्वल टू ए वन एक्स वन, ए टू एक्स थ्री एंड ए आर एक्स आर. सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ डी एम. तो यहाँ पर आपका फ्यूजी डिसीजन मेकिंग कंप्लीट होता है. आई होप यू हैव गॉट इट ऑल द थिंग्स अबाउट द डीएम. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो यू जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत.